शहडोल कुशाब भाव ठाकरे जिला अस्पताल में डॉक्टर डीके सिंह के निवास में तपदीश। डॉक्टर डीके सिंह निवास में संचालित था सोनोग्राफी सेंटर। सोनोग्राफी सेंटर को किया गया सील। कमिश्नर नरेश पाल कुमार की संयुक्त टीम ने की कार्रवाई। कार्रवाई के एसडीएम, तहसीलदार, सीएमएचओ, स्वास्थ्य विभाग, सीएमओ, नगरपालिका समेत अन्य अधिकारियों की मौजूदगी में की गई कार्रवाई। जिला अस्पताल के 21 डॉक्टरों ने आज दिया है इस्तीफा। इस्तीफा में डॉक्टर डीके सिंह भी थे शामिल। डॉक्टर साहब, पिछले कई दिनों से जो है आप लोग स्थिति की पेशकश कर रहे हैं और इस्तीफा दे पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे हैं, आज फाइनली आप लोग किस मांग को लेकर के यहाँ आए थे और कितने लोगों ने किसको इस्तीफा दिया, फाइनली इस्तीफा दिया है क्या? मांग तो आप सबको पहले से ही पता है, जैसा कि बीडीएस डॉक्टर को एक मेडिकल अस्पताल का सिविल सर्जन बना दिया। पिछले 10 दिनों से आप यही चल रहा है, यहाँ पे काम भी काफ़ी शायद सफ़र कर रहा हो, गलत है वो तो, है ना। और 3 दिन पहले हम लोगों को सीएमएचओ साहब ने बोला था कि 3 दिन अभी आप रुक जाए। उस दिन भी इस्तीफे की पेशकश की थी, उन्हें बोला 3 दिन का समय दीजिए, शासन निर्णय ले रहा है। आज 3 दिन की मियाद पूरी हो गई, हम लोग बहुत देर से खड़े थे, फिर फाइनली अभी आके सबका ये डिसीजन हुआ और सब ने अपने अपने इंडिविजुअल इस्तीफे जाके सीएमएचओ कार्यालय में जमा कर दिए। कितने लोगों ने, कितने डॉक्टर्स? 20 डॉक्टर्स ने इंडिविजुअली इस्तीफे दिए। तो अब जिला अस्पताल में आप सेवाएं नहीं देंगे? अभी बिल्कुल, जब इस्तीफा हो गया तो अब कैसे। तो आपका इस्तीफा एक्सेप्ट हो गया है क्या? एक्सेप्ट तो शासन की प्रक्रिया है, देखिए, है ना, हम लोग दे सकते हैं, हम लोगों ने अपना काम किया है। किसे दिया है इस्तीफा आपने? सीएमएचओ कार्यालय में जाके दे दिया, रिसीव सेक्शन में। सीएमएचओ साहब थे नहीं, किसी अर्जेंट मीटिंग में थे। कितने डॉक्टर्स थे? 20।